All set. Hello guys, welcome back to my channel. और आज हम जा रहे हैं सब दोस्त मिलके विंटर्सबर्ग. तो विंटर्सबर्ग एक जगह है NRW स्टेट में जहाँ पे मैं रहता हूँ. और वहाँ पे ये काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है. और अभी उसका टेम्परेचर चेक किया तो उधर -1 दिखा रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. अभी मैं रुका हूँ मेरे दोस्त के लिए और यहाँ से हम दोनों जाएंगे हाउपानॉफ. और हाउपानॉफ से विंटर्सबर्ग हमको सीधा ट्रेन है. आइस लुक एट द एम्प्टी रोड्स इन जर्मनी एट 5 AM. पूरा सुनसान है. गाइस अभी हम हाउपानॉफ पहुंच गए हैं. सो गाइस वी हैव रीच्ड डुसेलडॉर्फ. और अभी हमारा जो नेक्स्ट ट्रेन है वो आफ्टर 40 मिनट्स है. तो हम इधर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं. और आपको अभी मैं डुसेलडॉर्फ का हाउपानॉफ पूरा दिखाऊंगा व्यू. हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी ट्रेन 2-5 मिनट में निकल जाएगा विंटर्सबर्ग के लिए ड्यूसेलडॉर्फ से. सो गाइस अभी हम ब्रिलन वाल्ड बोल के एक स्टेशन है वहाँ पे है और अगले ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं. और यहाँ पे ये जो स्टेशन है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, वो सब के सब ऑड नंबर के प्लेटफॉर्म्स है. सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 ऐसे है. इवन नंबर की प्लेटफॉर्म है ही नहीं. तो आपको एक थोड़ा व्यू दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म का. काफ़ी छोटा प्लेटफॉर्म है. गाइस फाइनली वी आर इन विंटरबर्ग. -1 degree टेम्परेचर है यहाँ पे. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. और यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो गया है. कल स्नोफॉल दिखा रहा था और आज तो स्नोफॉल है नहीं, पर काफ़ी प्लेजेंट क्लाइमेट है विंटरबर्ग वेस्ट. बहुत ही ज़्यादा ठंड है. मैंने शूज़ नए लाए थे और मतलब मुझे पता था कि भाई शूज़ नए लाने पड़ेंगे और इसके लिए मैंने नए शूज़ लाए थे, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा ठंड है. और पैर के यहाँ पे पूरा ऐसा सुन्न हो गया है. पर वी आर एंजॉइंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सीरियसली. तो अभी यहाँ पे -3 टेम्परेचर है.
अभी हम आए हैं विंटरबर्ग के एक यहाँ पे स्केटिंग पॉइंट बोल के है, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्कीइंग वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, अभी बहुत ही अच्छा माहौल है, काफ़ी यहाँ पे लोग आ चुके हैं। इट्स अ वेरी प्लेजेंट प्लेस। काफ़ी विंडी भी हो चुका है क्योंकि अभी हम थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे आए हैं, तो विंड का वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो और ही ज़्यादा ठंड लग रही है, बट इट्स वेरी गुड हियर। Hope you like the video. और अभी मैं आई जस्ट रीच्ड होम माई रूम, एंड ये जो शॉट है मैं अभी फ्रेश होने के बाद लिया हूँ, अभी खाना वगैरह बनाऊँगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।